छिंदक नागवंशीय राजाओं द्वारा वर्ष 1065 के पहले राजपुर में बनवाए गए महल में चालुक्यों के बाद मराठों ने कब्जा किया था और पूरे 174 साल तक यहां रहते हुए बस्तर रियासत से कर वसूली कर धान नागपुर भेजते रहे। इस महल के भग्नावशेष आज भी राजपुर में विद्यमान है। लोक मान्यता है कि यहां गड़े धन संपत्ति की रक्षा अंतिम नागवंशीय राजा रानी इच्छाधारी नागनागिन के रूप में करते हैं, इसलिए इस खंडर की तरफ आने से आज भी ग्रामीण घबराते हैं। बस्तर विकास खंड अंतर्गत राजपुर नारंगी नदी किनारे ग्राम पंचायत मुख्यालय है। इस गांव के बाहर वन प्रांत में पुराने महल का भग्नावशेष है। करीब 2 एकड़ में महल के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। स्थानीय ग्रामीण इसे छेरकीन महल भी कहते हैं। महल के सामने भव्य प्रवेश द्वार है। वहीं महल का मुख्य द्वार जगदलपुर राजमहल के सिंह द्वार से भी बड़ा है। महल का आवासीय हिस्सा पूरी तरह ढक चुका, लेकिन महल के रक्षक देव के रूप में भगवान गणेश और घोड़े पर सवार कर्णकोटीन देव की प्रतिमा आज भी विद्यमान है, किंतु सिंह द्वार के 6 खंडों में स्थापित पुरानी मूर्तियां गायब हो चुकी हैं। 5 अप्रैल 1065 ईस्वी का राजपुर अभिलेख यह प्रमाणित करता है कि नागवंशी बोधरागढ़ नरेश मधुरांतक देव का यहां अधिपत्य था। उसने नरबलि के लिए राजपुर नामक ग्राम मणिकेश्वरी देवी मंदिर को अर्पित किया था। जब यहां चालुक्य राजाओं का आक्रमण हुआ तो उस दौर के राजा रानी की महल में हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1774 तक यहां चालुक्य राजाओं का कब्जा रहा। इसके बाद नागपुर के भोसले प्रशासन का यहां कब्जा हो गया और वे यहां करीब 2 शताब्दी तक रहे। राजपुर सहित मुंडा गांव, गुनपुर, सरगीगुड़ा, कांवड़ गांव सहित दर्जन भर गांव के लोग इस महल में आने से कतराते हैं। मुंडा गांव स्थित मणिकेश्वरी मंदिर के पुजारी व ग्रामीण बताते हैं कि वे अपने पूर्वजों से सुन रखे हैं कि करीब 950 साल पहले जब छेरकिन महल में हमला हुआ था, तब तत्कालीन राजा रानी ने अपनी संपत्ति महल के तहखाने में छुपा दी थी। इधर आक्रमणकारियों ने राजा रानी की हत्या कर दी थी। वहीं राजा रानी इस महल में इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में रहते हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं। वे यहां आने वाले लोगों को मार सकते हैं। इस डर से ग्रामीण इस महल की तरफ नहीं जाते। ग्रामीण इस बात को भी स्वीकारते हैं कि महल की तरफ आवाजाही नहीं होने का लाभ मूर्ति चोरों ने उठाया और सिंह द्वार में लगी पुरानी मूर्तियां चुरा कर ले गए। हर साल दशहरा के मौके पर ग्रामीण यहां गणेश और कर्णकोटीन देव की पूजा करने आते हैं। ग्रामीणों की यहां काफी आस्था है। आसपास के क्षेत्रों से पर्यटक भी खंडर हो चुके इस महल को देखने के लिए आते हैं।